नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम मारुति ब्रेजा के साथ में महिंद्रा की एक्सयूवी 300 को कंपेयर करने वाले हैं। दोनों गाड़ियों का सेगमेंट सेम है दोस्तों, और आपको मालूम है कि अब मारुति की ब्रेजा डीजल में नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हम दोनों गाड़ियों के केवल पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट को ही इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं। दोनों की प्राइसिंग में लगभग 69,000 रुपीज़ का काफ़ी बड़ा गैप है, तो जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्राइस गैप को कौन सी गाड़ी और किन कारणों की वजह से जस्टिफाई कर पाती है। हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। हर एक सेक्शन के पॉइंट्स क्लियर करने के बाद में वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों का प्राइस गैप भी ज़रूर बताऊंगा, जिसके कारणवश आप अपने लिए सही फैसला कर पाएंगे कि आपको मारुति की ब्रेजा लेनी चाहिए या फिर महिंद्रा की एक्सयूवी 300। क्या आपको लगता है कि ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी एक्सयूवी 300 से ज़्यादा बेहतर और सुपीरियर है? क्या आपको ऐसे लगता है कि दोनों गाड़ियों में जो 69,000 रुपीज़ का प्राइस गैप होने वाला है वो हमें जस्टिफाई कर पाता है और मजबूर कर पाता है कि हम महिंद्रा की एक्सयूवी 300 खरीद लें? क्या आपको ऐसे लगता है कि महिंद्रा XUV 300 एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि ब्रेजा से सुपीरियर है, या फिर आप ऐसे समझते हैं कि ब्रेजा ही इस सेगमेंट की टॉप 10 लिस्ट में हमेशा शामिल होती है और यही एक बेहतरीन कार है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे हमेशा इसका इंतज़ार होता है। आपके जहन में भी अगर ऐसे कई सारे सवाल हैं दोनों गाड़ियों को लेकर, तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में दोस्तों। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दोनों ही गाड़ियां सेम सेगमेंट की होने की वजह से दोनों ही गाड़ियों की लेंथ सेम है दोस्तों, लेकिन हाइट के मामले में ब्रेजा XUV 300 से लगभग 13 mm ज़्यादा बड़ी है, वहीं XUV 300 ब्रेजा से विड्थ के मामले में 31 mm और व्हील बेस के मामले में 100 mm ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से पहले ही सेक्शन से इस पैरामीटर पर XUV 300 ज़्यादा बेहतरीन साबित होती है और ब्रेजा से आगे निकल जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। तो जहां पर मारुति की ब्रेजा में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 105 पीएस की पावर जनरेट करता है लगभग 6000 आरपीएम पर, और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4400 आरपीएम पर। वहीं महिंद्रा की XUV 300 में आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 110 पीएस की पावर जनरेट करता है 5000 आरपीएम पर, और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 2000 से लेकर 3500 आरपीएम पर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर XUV 300 फिर से एक बार बाजी मार ले जाती है, क्योंकि ब्रेजा का इंजन बड़ा होने के बावजूद भी आपको कम पावर और कम टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में, जान लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है। कर्व बिट पर एक नज़र डालेंगे तो जिसे जानकर आप एक बेसिक सा अंदाज़ा लगा पाएंगे कि दोनों में से कौन सी गाड़ी जिसकी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। शुरुआत करेंगे ब्रेजा के वज़न से। तो जहां तक ब्रेजा के वज़न की बात है, ये है 1125 किलोग्राम से लेकर 1140 किलोग्राम तक। वहीं XUV 300 का वज़न है दोस्तों 1307 किलोग्राम से लेकर 1404 किलोग्राम तक। यहां पर भी अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि XUV 300 इस सेक्शन में भी जीत जाती है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जहाँ पर ब्रेजा NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लेकर आई है, वहीं महिंद्रा की XUV 300 NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लेकर आई है, और इसने इस क्रैश टेस्ट में सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर किए हैं दोस्तों। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर भी और इस सेक्शन में भी XUV 300 जीत जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। तो ब्रेजा में जहाँ पर आपको मिलता है 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं XUV 300 आपको मात्र 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रेजा स्लाइटली आगे निकल जाती है। आगे मुड़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के टर्निंग रेडियस पर। तो ब्रेजा में जहाँ पर आपको मिलता है 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस, वहीं XUV 300 में आपको 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस ऑफर किया जाता है, जो कि लगभग इस सेक्शन में दोनों गाड़ियाँ बराबर के मुकाबले में साबित होती हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर मारुति की ब्रेजा में आपको मिलता है 48 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं महिंद्रा की XUV 300 में आपको 42 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है दोस्तों। और हमेशा की तरह जहां तक बात हो रही है फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, हम दोनों ही गाड़ियों के माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो महिंद्रा की XUV 300 पेट्रोल में आपको जो कि 17 KMPL का माइलेज ऑफर कर पाती है, वहीं मारुति की ब्रेजा आपको 18.76 KMPL का माइलेज ऑफर करती है। डेफिनेटली इस सेक्शन में ब्रेजा आगे निकल जाती है और ये क्लियरली विनर साबित होती है। यहाँ पर जो गाड़ी हम कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों XUV 300, ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है, क्योंकि पेट्रोल में कोई भी AMT या ऑटोमेटिक का ऑप्शन महिंद्रा की तरफ से नहीं दिया गया है। और ब्रेजा का जो टॉप एंड वेरिएंट है वो हम 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। तो जहां पर आपको मारुति की ब्रेजा में मिलता है 328 लीटर का बूट स्पेस, वहीं महिंद्रा की XUV 300 में आपको सेगमेंट का सबसे लोएस्ट ओनली 257 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो XUV 300 यहां पर भी काफ़ी पीछे छूट जाती है दोस्तों, क्योंकि ये सेगमेंट का सबसे लोएस्ट बूट स्पेस है, जबकि XUV 300 का व्हील बेस जो है वो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा यानी कि 2600 mm है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज और व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रेजा में जहां आपको मिलते हैं दोस्तों 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स, वहीं XUV 300 में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो XUV 300 यहां पर भी बेहतर साबित होती है। अब तक आप समझ गए होंगे दोस्तों कि यहां तक माइलेज और बूट स्पेस के मामले में दो चीज़ों को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों में XUV 300 मारुति की ब्रेजा से कहीं ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट है। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं कि इस फाइट में कौन जीतेगा, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि दोनों गाड़ियों में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स से। और पहला फीचर है दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों में टॉप एंड वेरिएंट होने की वजह से आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मारुति की ब्रेजा में आपको ये 16 इंचेस के मिलेंगे, XUV 300 में आपको ये 17 इंचेस के मिलेंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको LED DRLs देखने को मिल जाती हैं, दोनों ही गाड़ियों में आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, दोनों ही गाड़ियाँ आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर करती हैं अलॉन्ग विद ऑटो हेडलैम्प का फीचर दोस्तों। दोनों गाड़ियों में आपको फ्रंट फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, दोनों गाड़ियाँ आपको रूफ रेल के साथ में आ जाती हैं। आपको दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिकली ऑटो फोल्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं। फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स दोनों गाड़ियां आपको ऑफर करती हैं दोस्तों। दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर स्पॉइलर मिल जाता है, साथ ही साथ ड्यूअल टोन रूफ कलर का ऑप्शन भी दोनों गाड़ियां आपको ऑफर करती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करती है। फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाता है दोस्तों। उसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको पावर स्टीयरिंग मिलती है, उसके साथ में आपको मिलता है टिल्ट का ऑप्शन, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। उसके अलावा डे नाइट IRVM आपको मिलता है। दोनों ही गाड़ियां आपको 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम ऑफर करती है विद ऑल द बेसिक नेसेसरी फीचर्स जैसे कि AM/FM, USB, ऑक्सन, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह वगैरह दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाता है। रियर व्यू कैमरा एंड रियर पार्किंग सेंसर्स दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करती है। रियर वाइपर एंड वॉशर भी आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। सेफ्टी की जहां तक बात है दोस्तों, दोनों गाड़ियों में आपको मिनिमम ड्यूअल एयरबैग मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको मिलेगा ABS प्लस EBD देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोनों गाड़ियों में आपको हिल होल्ड असिस्ट का फीचर भी देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं ब्रेजा में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में दोस्तों, जो कि आपको महिंद्रा की XUV 300 नहीं दे पाती है। वैसे तो ब्रेजा की फीचर लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन काफ़ी सारे गिमिक फीचर्स है और बिना वजह के फीचर्स इसमें भरे पड़े हैं। इंपॉर्टेंट और ज़रूरी यूजफुल फीचर्स की यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी इंक्लूजन नहीं किया गया है ब्रेजा में। मेरे हिसाब से इस लिस्ट में केवल दो ऐसे फीचर्स हैं जो आपको मारुति की ब्रेजा ऑफर कर पाती है, जो महिंद्रा की XUV 300 में आपको नहीं मिलता है। ब्रेजा में आपको मिलते हैं दो ग्लव बॉक्स, एक नीचे जो रेगुलर ट्रेडिशनल जगह पर होता है, वो बड़ा सा या डिसेंट स्पेस के साथ में वो ग्लव बॉक्स आता है, उसके ऊपर एक अपर ग्लव बॉक्स मिलता है दोस्तों, जो कि कूल ग्लव बॉक्स है। महिंद्रा की XUV 300 में आपको कोई भी कूल ग्लव बॉक्स का फीचर नहीं मिलता है।
अगला इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको ब्रेजा ऑफर करती है लेकिन XUV 300 में आपको नहीं मिलता, वो है 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आपको महिंद्रा की XUV 300 पेट्रोल में आज भी केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है, इसमें कोई भी ऑटो शिफ्ट या फिर AMT का ऑप्शन नहीं मिलता है, वहीं ब्रेजा आपको 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। तो यहां पर इस चीज़ की वजह से भी ब्रेजा स्लाइटली बेटर साबित होती है। आगे मुड़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं XUV 300 में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको मारुति की ब्रेजा ऑफर नहीं कर पाएगी। जो 69,000 रुपीज़ का गैप है, क्या XUV 300 उसे जस्टिफाई कर पाती है? तो देखते हैं, उन सारे फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से दोस्तों, तो इसमें आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ जो कि ब्रेजा में मिसिंग है, साथ में आपको मिलेंगे प्रीमियम लेदरेट सीट्स आपको मिल जाएंगे, ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें मिल जाएगा। वैसे तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों गाड़ियों में मिलता है लेकिन XUV 300 में आपको ये ड्यूअल जोन मिलेगा दोस्तों। मल्टीपल स्टीयरिंग मोड्स के साथ में आएगी आपको XUV 300 जो कि है नॉर्मल, कंफर्ट एंड स्पोर्ट। XUV 300 आपको एक स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी भी ऑफर करती है अपनी गाड़ी के साथ में, साथ ही साथ आपको टायर पोजीशन डिस्प्ले और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको XUV 300 ऑफर करेगी, उसी के साथ में आपको ये आती है रोल ओवर मिटिगेशन के साथ में। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको चारों के चारों डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। उसी के अलावा आपको XUV 300 में मिल जाएगा पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन का स्विच, हीटेड ओवरवीएम्स आपको मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी के मामले में इस गाड़ी में आपको सेगमेंट फर्स्ट 7 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि 17th फीचर है, NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग विद इंडिया का सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली ये गाड़ी है दोस्तों। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो ये 17 फीचर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये गेमिंग फीचर्स नहीं हैं और इसमें से कोई भी फीचर आपको मारुति की ब्रेजा ऑफर नहीं कर पाती है, जिस वजह से इस सेक्शन में क्लियरली XUV 300 विनर होती है और ब्रेजा इस सेगमेंट की सबसे घटिया गाड़ी निकलकर सामने आती है दोस्तों। आप किसी भी गाड़ी के साथ में इसको कंपेयर कर लीजिए, सभी के साथ में वीडियो इसकी बना चुका हूँ, इसे कंपेयर कर चुका हूँ, फिर वो चाहे फोर्ड की इको स्पोर्ट्स हो, फिर वो चाहे ह्यूंडई की वेन्यू हो, फिर चाहे वो टाटा की नेक्सॉन हो या फिर अब महिंद्रा की XUV 300 हो, इन सभी गाड़ियों के वीडियोस कंपैरिजन में ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए एक एक करके ऊपर आई बटन में दे दूंगा। 5 या 10 सेकंड के गैप में आपको तीनों वीडियो के लिंक ऊपर मिल जाएंगे, वहां से उसे आप देख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर ब्रेजा में मारुति को शर्म आनी चाहिए ऐसी वारंटी ऑफर करने की, जो कि 53% मार्केट शेयर होल्ड करती है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और इतना घटिया ऑफर आपको देती है वारंटी का। आपको मिलती है केवल 2 साल की वारंटी अलॉन्ग विद 40,000 किलोमीटर्स। वहीं पर महिंद्रा की XUV 300 आपको ऑफर करती है 2 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी। हालांकि ये इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन वारंटी ऑफर नहीं है लेकिन अपने सेगमेंट के हिसाब से और मारुति ब्रेजा के हिसाब से दिस वारंटी ऑफर इज 1000 times बेटर। चलिए अब मुड़ते हैं आगे और इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि है प्राइस डिफरेंस या दोनों गाड़ियों का जो भी प्राइस क्लैश है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ मेरे किसी भी वीडियो में, वो सभी के सभी प्राइसेस दोस्तों एक शोरूम कॉस्ट होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए होते हैं। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से हमेशा संपर्क करना पड़ेगा दोस्तों। बात कर लेते हैं ब्रेजा के पेट्रोल टॉप वेरियंट ZXi प्लस 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में। तो एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 11,15,000 रुपये तक की मिल जाती है। वहीं XUV 300 का पेट्रोल मैनुअल टॉप एंड वेरिएंट जो कि है W8 ऑप्शनल, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलता है 11,84,000 रुपये का, जो कि मारुति की ब्रेजा से 69,000 रुपीज़ महंगा है। लेकिन इस 69,000 रुपीज़ के बदले में XUV 300 हमें 7 एयरबैग्स ऑफर करती है, मल्टीपल स्टीयरिंग मोड्स ऑफर करती है, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, चारों डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स, जो कि टोटल कुल मिलाकर 17 फीचर्स हैं। अगर सभी को मैं दोबारा से यहाँ बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए मैं उन सभी को दोबारा से स्क्रीन पर दे देता हूँ। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके उन सभी को दोबारा देख लीजिएगा।
उनको देखने के बाद में आपको लगेगा कि मेरे हिसाब से जो 69,000 रुपीज़ यहाँ पर XUV300 एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है प्राइस में कंपेयर टू ब्रेज़ा, ये डेफिनेटली और कम्प्लीटली जस्टिफाइड है। दिया लेकर भी अगर आप ढूंढोगे तो ये 200% फायदे आपको मारुति की ब्रेज़ा में कहीं भी किसी भी कोने में नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इस घमासान में, इस फाइट में XUV300 कम्प्लीटली और क्लियरली विनर साबित होती है, जो कि हमें बेहतर बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है, बेटर सेफ्टी फीचर्स आपको ऑफर करती है, बेटर फिट एंड फिनिश के साथ में आती है और बेहतरीन वारंटी ऑफर के साथ में आती है, जो कि ये सभी चीज़ें आपको मारुति की ब्रेज़ा में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। दिया लेकर ढूंढ लीजिएगा दोस्तों, और अगर आपको कुछ मिल जाता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे हिसाब से अगर मुझे इन दोनों गाड़ियों में से कोई चुनना है तो मैं अपने लिए XUV300 डेफिनेटली लेना पसंद करूंगा, लेकिन आपको तय करना है कि अपने लिए आप XUV300 लेना चाहते हैं या फिर मारुति की ब्रेज़ा, और आपने क्या चुना हमेशा की तरह नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिसका मुझे इंतज़ार होता है। प्लस आपको क्या लगता है कि आज की इस वीडियो में दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी जीती है, इसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा लेना। और जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।